हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे लिक्विड स्टेट, एंड लिक्विड स्टेट इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर रहेगा, मीन्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, हम लिक्विड स्टेट किसे कहेंगे, तो इसके समथिंग कुछ पॉइंट वाइज में प्रॉपर्टी बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ दिस, इफ द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोजली टूगेदर and the space between this molecule are very less, then we can say it is in liquid state. पहली, second हम कह सकते हैं these are the denser compared to gases, means ये जो gas molecules है liquid state में वो space कम occupy करते हैं, but इनका जो mass है वो ज़्यादा रहता है compared to gas. हम कह सकते हैं intermolecular forces are greater than compared to gas, इसमें intermolecular forces ज़्यादा होता है, इनका जो शेप है वो डिफाइनाइट नहीं रहता, बट इनका जो वॉल्यूम है वो डिफाइनाइट रहता है, मीन्स वॉल्यूम फिक्स बट शेप अनफिक्स रहता है। जिस कंटेनर में आप इसे पोर करोगे उस कंटेनर का ये शेप ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस टाइप से हम किसी भी लिक्विड को 4 से 5 पॉइंट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, आप मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए लिक्विड स्टेट, ओके, molecules in liquid are so close that there is a very little impervious space between them and under normal condition liquids are denser than gases. क्या होते बेटा, लिक्विड डेंसर होती है गैसेस से। अब मुझे पेज चेंज करना है तो मैं पेज चेंज करता हूँ, आई जस्ट चेंज माई पेज सो डैट यू कैन सी वॉट वी लर्न वॉट वी स्टडी। सो नेक्स्ट जो इसके पॉइंट है, लाइक जो कि मैंने बोला, their molecules are held together by attractive intermolecular forces. They have definite volume and the molecule can move past one another freely and this liquid can flow. यहां तक molecules क्या होते हैं लिक्विड के, move past one another, means एक के ऊपर दूसरे जो layers बनाते हैं molecules in liquid state, वो move कर सकते हैं, layers के form में move कर सकते हैं। अगर देखिए आप इस figure को थोड़ा सा concentrate कीजिए, देखिए इन दिस फिगर क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही क्लोज विस्किनिटी के अंदर हेल्ड है, उनके बीच में गैप बहुत कम है, ओके, उन्होंने एक लेयर फॉर्म किए, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप होता है, कह सकते हैं पास्ट टू वन अनदर वो मूव करते हैं, ओके, इनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, फिक्स है, मतलब शेप क्या है, अनफिक्स है, जिस भी कंटेनर में आप इसे फिक्स फिल करोगे उसका वो शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कैन बी पोर्ड एंड कैन अज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके, जिस भी कंटेनर में आप इसे फिल करोगे उसका वो शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो इसमें हमें तीन प्रॉपर्टी स्टडी करनी होती है। फर्स्ट है आपके पास वेपर प्रेशर वीपी, सेकंड सरफेस टेंशन एसटी, थर्ड विस्कोसिटी बीटा। वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए लिक्विड और गैसेस के बीच में, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बन रहे, वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर और दैट कंडीशन, जो वेपर्स के मॉलिक्यूल है जितना प्रेशर लिक्विड की सरफेस के ऊपर एग्जर्ट करते हैं वो कहलाता है उसका वेपर प्रेशर। एट द इक्विलिब्रियम द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल वेपर ऑन द सरफेस आर नोन एज वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर। तो देख लेते हैं इसमें, इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल रहता है वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसमें फर्स्ट आपका कुछ इसमें इसके बेनिफिट भी है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाए तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ओके, देन हमारे पास क्या होगा कि वहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मॉलिक्यूल को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वो आपको कम रहेगा। अगर हम सी लेवल की बात करें तो वहां पे वेपर प्रेशर आपका जो है या एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रहता है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मॉलिक्यूल को गैस या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वो आपको ज्यादा लगेगा। अगर हम हाई एटीट्यूड के ऊपर कुकर का यूज करें तो हमारे लिए एनर्जी बेनिफिशियल है, कुकर के अंदर कोई भी लिक्विड इजीली आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कंपेयर टू सी लेवल रीजंस, ओके। एट 180 एम इट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 बार इट इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। एट हाई एटीट्यूड्स एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो
देयरफॉर लिक्विड एट हाई अल्टीट्यूड्स बॉइल एट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू दैट सी लेवल. सी लेवल के ऊपर, सी लेवल के एरियाज के अंदर जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहेगा कंपेयर टू माउंटेनियस रीजन. सिंस वाटर बॉइल एट लोअर टेम्परेचर ऑन हिल्स, प्रेशर कुकर इज यूज फॉर द कुकिंग पर्पज. वहां पे हम क्या कुकिंग पर्पज के लिए प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वो है आपकी सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होता है कि मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलर मींस दिस, ओके, 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे या अलोंग द लेंथ आपका एक फेज एक फोर्स वर्क करता है. इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं. ये फोर्स क्यों होता है, ड्यू टू इनबैलेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर नीचे की ओर तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वर्क करते हैं, बट ऊपर कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना होने के कारण ऊपर कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं करता, तो इनबैलेंस हो जाता है. और इस इनबैलेंस के कारण ही नीचे की ओर फोर्स वर्क करता है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन. तो चेक करते हैं हम लोग, अ मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ द लिक्विड एक्सपीरियंसेस इक्वल इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड बट द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एक्सपीरियंसेस नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड. देखिए ये एक मॉलिक्यूल है बल्क में, इनसाइड द लिक्विड है, तो इसके चारों ओर जितने भी मॉलिक्यूल है उनके साथ ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इससे इसके पास जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा. भाई इस साइड वाले को इसके अपोजिट साइड वाले ने कैंसिल कर दिया, डाउन वाले को अपसाइड वाले ने कैंसिल कर दिया, लेफ्ट वाले को राइट वाले ने कैंसिल कर दिया, तो इस कारण से नेट फोर्स जीरो. बट क्या होगा अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है, तो सरफेस के नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल उसे नीचे की ओर अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, बट ऊपर की ओर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऊपर की ओर तो हमारे पास इनबैलेंस पैदा हो गया. उस कंडीशन में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और इस कंडीशन में इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, वही आपका सरफेस टेंशन है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस. यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट रहती है बैंक पर सेंटीमीटर, और एसआई में इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर. सेकेंड आपका है ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स एट द सरफेस लिक्विड्स टेंड टू हैव मिनिमाइज्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट देयर सरफेस. लिक्विड क्या करती है, सरफेस के ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखना चाहती है, इसलिए वो अपने शेप को ही चेंज कर लेगी. इफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग ए मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क, यानी कोई आप मॉलिक्यूल बल्क से उठा रहे हो और सरफेस ऑफ लिक्विड आप इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स विल हैव टू ओवरकम. आपको जो अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उसे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. The energy required to increase the surface area of the liquid by one unit is known as surface energy. अब अगर मैं magnitude of the surface tension की बात करूं तो ये depend करता है temperature पे, okay? The next point, magnitude of surface tension of a liquid depends on attractive force between the molecule. A temperature increases, attractive force decreases. अगर आप temperature increase करोगे, as temperature increases, अगर molecule की temperature increase करोगे, तो उसकी thermal energy increase होगी. Thermal से kinetic energy increase होगी. Kinetic energy से उसका motion बढ़ेगा, और motion बढ़ेगा, तो क्या होगा बेटा? उसका जो attractive force है, एक molecule का दूसरे molecule साल, तो वो कम होगा, decrease होगा, और overall आपका surface tension भी decrease. Means, अगर temperature increase हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन एसटी आपका डिक्रीज होगा, लोअर एरो डिक्रीज होगा, ओके, सरफेस टेंशन आल्सो डिक्रीज. अब आपका है कि कुछ फिनोमिना से सरफेस टेंशन के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक शेप ऑफ द मर्करी बीड, ओके, दिस द राइजिंग ऑफ वाटर लेवल इन दिस कैपिलरी ट्यूब सेकंड फिनोमिना, एंड द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल व्हेन इट कम डाउन फ्रॉम अपसाइड टू डाउन साइड, ओके. तो यहाँ पे है आपके पास, सिंस स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया एंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ ए लिक्विड इज व्हेन सरफेस एरिया इज मिनिमम. ठीक, लोएस्ट एनर्जी स्टेट कब होगी लिक्विड की, जब सरफेस एरिया मिनिमम होगी, एंड दैट केस देयरफॉर मर्करी ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप. इस कंडीशन में वो क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट में होती है, उसके ऊपर सरफेस एरिया मिनिमम होता है.
लिक्विड्स टेंड टू राइज और फॉल इन कैपिलरी बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। थर्ड आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी, हाई विस्कस लिक्विड, लो विस्कस लिक्विड, आइए आप अपने डेली लाइफ में सुनते हो। तो विस्कोसिटी क्या होती है, इन द लिक्विड वी नो दैट इन द लिक्विड द मॉलिक्यूल आर अरेंज इन द लेयर्स फॉर्म एंड दिस लेयर्स मूव पास्ट टू वन अनदर, दिस लेयर मूव पास्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ये मूव करते, एक दूसरे के ऊपर मूव करते। तो जब ये मूव करेंगे तो इनके बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, और इसी इंटरनल फ्रिक्शन को हम कहते हैं विस्कोसिटी, जो लेयर्स को आगे की ओर मूव करने को रजिस्ट करता है, मूव होने नहीं देता। अगर आपका इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये मूवमेंट बहुत इजीली नहीं होगा, हार्डली होगा। अगर आपका इंटरनल फ्रिक्शन कम है तो मूवमेंट इजीली होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसका विस्कोसिटी ज्यादा है उसमें ये मूवमेंट बहुत स्लोली होता है, और जिसकी विस्कोसिटी कम है उसमें मूवमेंट इजीली होता है, इजीली वो फ्लो कर पाते हैं। ओके तो हमारे पास क्या आया, मेन पॉइंट क्या है कि इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हिच अराइज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स एज दे स्लिप पास्ट वन अनदर व्हाइल लिक्विड फ्लो। इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हिच अराइज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड एज दे स्लिप पास्ट वन अनदर। देन आफ्टर आपके पास है अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर्स, इस फ्लो ऑफ लेयर को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक फोर्स चाहिए। अगर ये फोर्स आपका रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी से ज्यादा है तो जाके आपके लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर पाएगी, स्लिप हो पाएगी। एंड इट इज गिवन बाय एफ प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्ट एरिया एंड प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी जेड। ये डी यू अपॉन जी जेड है वो ग्रेडियंट वेलोसिटी है, ग्रेडियंट वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स, ग्रेडियंट वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे जो कि नीटा है। इसे हम रीड करते हैं नीटा ए डी जेड अपॉन डी यू अपॉन डी जेड, और ये जो आपका नीटा आया इसे ही हम कहते हैं विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट। ओके तो हमारे पास आया एफ इक्वल टू नीटा ए डी यू अपॉन डी जेड, ए आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, डी यू अपॉन डी जेड है वेलोसिटी ग्रेडियंट, नीटा है कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके एसआई के अंदर यूनिट जो है एक मेन यूनिट देखा जाता है पॉइज। ओके द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई वो रहता है आपका न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर टू द पावर माइनस टू, और अगर सीजीएस में देखेंगे तो पॉइज, और पॉइज इज मोर फेमस कंपेयर टू न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर पावर माइनस टू। अब है आपका विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, देन मूवमेंट ऑफ मोशन या मोशन ऑफ द पार्टिकल बढ़ेंगे, और जब मोशन ऑफ द पार्टिकल बढ़ेंगे स्लिप तो ये इजीली एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, मूव कर सकती है, तो विस्कोसिटी आपकी कम होगी। तो ओवरऑल टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, विस्कोसिटी जो है आपकी डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज बिकॉज एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, के मींस काइनेटिक एनर्जी, एंड कैन ओवरकम इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस टू स्लिप पास्ट वन एनदर बिटवीन द लेयर्स। वी नो दैट ये विस्कोसिटी कब बढ़ेगी, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे, लाइक एच बॉन्डिंग आपकी इंक्रीज होगी और वैन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग रहेंगे तो विस्कोसिटी भी आपकी स्ट्रांग रहेगी। और आपको पता है कि ग्लास इज जो है वो ग्लास एक्चुअल में लिक्विड है, बट ड्यू टू हाई विस्कोसिटी वो आपको सॉलिड दिखाई देता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। ग्लास इज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, इसलिए एक लेयर दूसरे के ऊपर वो मोशन नहीं कर पाती या स्लिप नहीं हो पाती। इट इज सो विस्कस डेट मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिसेंबल विद द सॉलिड। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने एट प्रेजेंट टाइम लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में लर्न किया। आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर जो मैंने स्टेप वाइज मैनर के अंदर क्रिएट किया है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम जो एक लेक्चर लेने वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड स्टेट ऑफ मैटर से, वो रहेगा आपका माइंड मैप। माइंड मैप एक पूरे ही पेज के ऊपर जितने भी कंसेप्ट है वो शॉर्ट वे के अंदर अरेंज रहते हैं, ताकि आपको लर्न करने में बहुत ही इजी रहे। तो माइंड मैप के थ्रू हम काफी सारे कंसेप्ट को
अरेंजमेंट ऑर्डर के अंदर लर्न कर सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग होता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और इन फ्यूचर्स एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।